महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुमरा रेलवे स्टेशन पर कैसे उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से नियम को फॉलो करने का अपील किया जा रहा है, वैसे ही जो लोग हैं वो लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वापस से जो है काम धंधा बंद हो चुका है। लोग यहां से वहां जा नहीं सकते क्योंकि रेलवे स्टेशन भी है बंद कर दिया गया है। अगर बात करेंगे मुंबई स्टेशनों के जितने भी एंट्रेंस है, जैसे आप अगर CST की बात करें तो 7 एंट्रेंस है, भाईखल्ला के 5 है, ये सभी को बंद किया गया है। केवल एक ही जो द्वार है वो खोला गया है, यानी एक ही जगह से आप एंटर हो सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं। वही जगह पर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल लोगों को ही अलाउ किया गया है जाने का, और उसके अलावा तमाम जो स्टेशन की और वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए। वैसे ही हम अगर हमारे मुमरा शहर की बात करें, मुमरा रेलवे स्टेशन पर जो सुबह के वक्त भीड़ हुई 12 बजे, तमाम लोग मुमरा रेलवे स्टेशन आए और वहाँ पर जब टिकट नहीं मिली तो लोगों की भीड़ उमड़ गई, जिसको देखते हुए पुलिस बुलाया गया और वहाँ से लोगों को हटाया गया। आपको बता दें, ये जितनी भी भीड़ हो रही है, ये सारी भीड़ का कारण सिर्फ और सिर्फ लोगों की परेशानी है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी परेशान हो चुके हैं कि अब हम क्या करेंगे। जीवन के लिए खाना पीना लगता है, वो खाना पीना कहाँ से लाएंगे जब काम धंधा ही बंद होगा। अब देखते हैं किस तरीके से सरकार ये सब, ये जो भीड़ दिख रही है, जो लोग ऑफिस नहीं जा सकते, जो लोगों का घर घर चलाना मुश्किल है, उस पर किस तरीके से निर्णय लेकर के अब इस पर फैसला सुनाती है। नहीं जाने दे रहे भाई, नहीं जा रहे, खाली गवर्नमेंट वाले जाएंगे, बाकी कोई नहीं जा सकता। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।